हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। सांगो माने आज आम जे कि आम सिपाही विद्रोह पर किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा जे कि आमर ओडिशा गवर्नमेंट रो प्रत्येक अपकमिंग एग्जाम पाई वीडियोटी गुरुत्वपूर्ण रहिबो। ये कौनसी पर्टिकुलर एग्जाम पाई नुहे। जदि भी आपन को यार पीडीएफ दरकार आपन माने आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करके यार पीडीएफ टी को पाई परिबे। एवं टेलीग्राम चैनल लिंक आप चैनल अबाउट सेक्शन को गले आपन को टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जिवो। सांगो माने आपण मैंने तो जानते हैं कि मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड कर देजी जिते भी आमर आंदोलन होते भी युद्ध हो सब युद्ध और आंदोलन पर सेपरेट वीडियो करके आपको प्रोवाइड कर देजी। जदि भी आपण मैंने देखी ना आम टेलीग्राम चैनल यार पीडीएफ पाई प्लेलिस्ट को विजिट कले आपको यार भी आमर प्लेलिस्ट वीडियो आपको मिल जाव। किंतु आज आम डिस्कसन करवा केवल सिपाही विद्रोह पर, ठीक अच्छे। सिपाही विद्रोह पर किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा जे कि सिपाही विद्रोह केबे होइतिला, केउ पर्टिकुलर डेट रे होइतिला, काई कि होइतिला एवं केउ केउ जगार सिपाही विद्रोह होइतिला, टोटल आज जे कि ए टू जेड क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तेबे चालंतु आजर प्रथम प्रश्न एटिकु सांग माने आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन सांग माने एटि देखंतु कहिला हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आट द टाइम ऑफ सिपाही मितनी। एटि क्वेश्चन टी हमर कहिला कि जे कि हमर जो सिपाही विद्रोहटा होइतिला से सिपाही विद्रोह बेले जे कि भारतर गवर्नर जनरल किए थिले। सिपाही विद्रोह समय रे भारत रे जनरल गवर्नर जनरल किए थिले। सटीक उत्तर एटी कोन हेबो कोंदु किए थिले। ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जे कि सिपाही विद्रोह समय रे किए ना आमर भारत रे गवर्नर जनरल थिले। आपण को मनरे क्वेश्चन आसुथिबो सर आपण तो कहिदेले गवर्नर जनरल किए थिले किंतु सिपाही विद्रोह केबे आरंभ होइतला कहिलेनि, ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप प्रश्न रखी तेरे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन अच्छी देखा चलतु सांग मैंने एटी दुई नंबर क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन टी कहला कि डैश व्वाज द डेट व्वेन द रिवल्ट अफ द 1857 स्टार्टेड। जे कि प्रथम आप मन रखु सिपाही विद्रोहटा आमर केबे ना 1857 स्टार्ट होता। किंतु ये क्वेश्चन टी कहला 1857 सीना आम सिपाही विद्रोहटा आरंभ होता क्यों डेट्रे आरंभ होता। डेट कथा आपन को पचारे आपन कहे कौन ना 10 मे जे कि आमर सिपाही विद्रोहटा आरंभ होता। मसीहा कथा आपन पचारे आपन कहे 1857 10 मे रु आरंभ हो 8 जुलाई 1859 पर्यंत आमर सिपाही विद्रोहटा चली जे कि से समय आमर किए लॉर्ड कैनिंग भारतर कौन गवर्नर जनरल थिले। जे कि आमर एटी ऑप्शन बी एटी करेक्ट आंसर 10 मे। एवं मसीहा भी आपन मन रखिथिबे आपन मानक पई बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तेबे चालंतु सांग माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहूँ सांग माने एटी आमको क्वेश्चन टी पचारिला द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय। आपण मैंने तो जान लें 1857 जे कि आम सिपाही विद्रोहटा आरंभ होता किंतु किए आरंभ करते क्या द्वारा सिपाही विद्रोहटा आरंभ होता। सठिक उत्तर कौन है कहतु तीन नंबर ना ऑप्शन ए द सिपाही। सिपाही मानक द्वारा विद्रोहटा को आरंभ करा जाइथिला। एठी ऑप्शन ए हे जीव आमर करेक्ट आंसर। सांग माने आपन को किछि एठी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कहि रखु छी आपन मने रखंतु ब्रिटिश माने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रो कोन ब्रिटिश माने जो इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज भाबे मान्यता देथिले एवं से जो आमर ब्रिटिश माने जे कि इंग्लिश भाषा को केबे कौन करथिले ना ऑफिशियल लैंग्वेज रो मान्यता देथिले बा केबे सेई आक्ट को आनीथिले जो आक्ट रे कि इंग्लिशटा आमर ऑफिशियल लैंग्वेज हब से आक्टा को केबे आनीथिले। सठिक उत्तर कौन है कहतु एग्जाम जदि आप पचार दबा आपन कहबे 1837 ठीक अच्छे। 1837 जे कि आमर ब्रिटिश माने जे कि इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रो मान्यता देबे बोली से आक्टा को आनीथिले, ठीक अच्छे। केबे ना 1837 आनीथिले जे कि एटी हमको क्वेश्चन टी कहि कि 1857 जे कि आमर सिपाही मानक द्वारा प्रथम से विद्रोहटा को आरंभ उद्घाटन करा जाइथिला, ठीक अच्छे। जे कि आमर एटी ऑप्शन ए हे जीव आमर करेक्ट आंसर। तबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 4 सांग माने एटी कोन कहूँ क्वेश्चन नंबर 4 आमको कहूँ कि
व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 रे जते बळे हमर सिपाही विद्रोहटा हेइदिला तार इमीडिएट कॉज बा इमीडिएट आक्षेप कोन पडिथिला सटिक उत्तर ठीक कोन हेबो कोंतु कोन हेबो ना ऑप्शन ए पॉलिसी ऑफ ग्रेट कौन क्रेटिजेस जे कि ए आक्षेपटा हमर कौन पड़ा ना 1857 जो हमर होता सिपाही विद्रोहटा से विद्रोहर इमीडिएटली जल्दी आक्षेप पड़ा ठीक अच्छे तेज चलत नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सांग मैंने ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कही रखुच्छे आप मन रखुद जे कि एग्जाम पॉइंट अफ व्यू बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण रहा 1844 ये कहला कि जो मैंने इंग्लीश ब्रिटिश गवर्नमेंट रे जो चाकरी करते जो मैंने जॉब भी करते से ब्रिटिश सरकार गोटे रूल आनिले के 1844 से रूलटा है कौन ना जो मैंने इंग्लीश जानी थे से पदवी से रे जो मैंने इंग्लीश जानी थे से मैंने ही ब्रिटिश सरकार जो जॉबटा को करे जो मैंने इंग्लीश जानी नथिबे से मानंकु विदा करदेवे ठीक अच्छे कहीं से तो आम फारसी मैंने भी थे समस्ते थे तो समस्ते तो इंग्लीश भाषा जाना नाला तो एमती करी तो जो मैंने से इंग्लीश जान लें चाकरी दे जो मैंने इंग्लीश न जान लें चाकरी बहिष्कार करदे जे कि आमर एटी ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर तेज चलत सांग मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर फाइव सांग मैंने देखो ये कौन कौन ये कहला कि हु एमंग द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट टू ले डाउन हिज हर लाइफ एटी कहला कि आमको क्वेश्चन जे कि जो 1857 रे आमर जो सिपाही विद्रोहटा होता से सिपाही विद्रोह रे प्रथम शहीद किए होते विद्रोह रे सटिक उत्तर कौन है कहतु ना ऑप्शन डी मंगल पांडे जे कि आमर ए 1857 रे जो सिपाही विद्रोह रे प्रथम शहीद भाव जना जाती ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर तेरे चलत सांग मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर सिक्स कौन कौन देखु ये क्वेश्चन टी कहला द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन ये सांग मैंने कहला 1857 सिपाही विद्रोहटा प्रथम केरंभ होता कहतु 6 नंबर क्वेश्चन कौन है ना ऑप्शन ए मेरुट ए मेरुट ठारु जे कि सिपाही विद्रोहटा आमर आरंभ होता ऑप्शन ए होमर करेक्ट आंसर तेज चलत सांग मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर सेवेन कौन कौन ना नोट करके सब रखुवे सांग मैंने 7 नंबर क्वेश्चन कहला हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ दिल्ली आमर जो दिल्ली रे 1857 जो आमर विद्रोह होता आमर दिल्ली ठारे तहार नेतृत्व किए नहीं एटि तो आपन को डिफरेन्ट एरिया जैक सब विद्रोह होता मुझे कहीदेवि डिफरेन्ट एरिया वाइज किए लीडरशिप नहीं किंतु एटी आमको कही कि दिल्ली रे किए लीडर नहीं सटिक उत्तर कौन है कहतु जे कि आमर एटी सटिक उत्तर ठीक हो कौन ना ऑप्शन ए भक्त खान ठीक अच्छे ये भक्त खान जे कि आमर दिल्ली ठारे जे कि यार लीडरशिप नहीं रहा जे कि आमर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर सांग मैंने मुझे आपको कहली डिफरेन्ट एरिया जे कि डिफरेन्ट लीडरशिप थी वर्तमान मुझक कहीदेवि आप मन रखु सब एरिया ठीक अच्छे जे कि दिल्ली में जो सुल्तान से समय किए थे आपको पचार कौन कहे जेतबले 1857 आमर सिपाही विद्रोहटा होता एग्जाम एमती भी क्वेश्चन आसीज 1857 जो आम सिपाही रिबेलियन होता से ही समय रे दिल्ली रो सुल्तान किए थिले ना बहादुर शाह द्वितीय नोट करूँ बहादुर शाह द्वितीय जे कि दिल्ली रो सुल्तान से ही समय रे थिले एवं बहादुर शाह द्वितीय आर्मी जनरल किए थिले कौन कह आर्मी जनरल किए थिले ना आमर किए ना भक्त खान ये जे कि आमर हो जाउछन्ती कहार ना आमर बहादुर शाह द्वितीय आर्मी जनरल ए आर्मी जनरल जे कि भक्त खान जे कि से नेतृत्वर कौन थिले ना लीड करथिले से नेतृत्व को लीड करथिले किए ना भक्त खान ऑप्शन ए हो आमर एठी करेक्ट आंसर बुझिपारे तापर देखु सांग मैंने जे कि
एटि आमको कहीदी सब नोट करके रखी मुझे ये कहूँ आप नोट करूँ सब जे कि लक्षनौ लक्षनौ ठारे भी जो आमर होता यार लीड किए कर लक्षनौ ठारे ना आमर लक्षनौ ठारे जे कि लीडर्स आमर लीड ताकू करते आम सिपाही विद्रोहटा को बेगम हजरत महल नोट करूँ बेगम महल जे कि ये एवं आंकर पुओ सन आंक पुओ पुत्र किए थिले ना पुत्र थिले जे कि आमर किए ना बिरजिस क्वादिल क्वादिल बिरजिस क्वादिल जे कि पुओ थिले ये दी जन जे कि आमर लक्षनौ रे हेतिला सिपाही विद्रोह जे कि आहार नेतृत्व नहीं थिले लेखिबारे टी प्रॉब्लम होजी संग माने आपण एडजस्ट कर देबे ठीक अच्छे जहाँ कहे आप हिसाब से नोट कर दिंतु तापर आमर है कौन ना कानपुर कानपुर ठारे यार लीडरशिप किए नहीं ना नाना नाना साहे नोट करूँ नाना साहे एवं तांतिया तोपे कानपुर कानपुर रे कि यार लीडरशिप नहीं नोट करूँ नाना नाना साहेब एवं किए ना तांतिया तोपे ये दी जन जे कि आमर कानपुर ठारे हेतिला जो ताहार लीडरशिप लीड ताकु करिथिले तापर आउ गोटे होची झांसी झांसी ठारे किए करथिले ना झांसी ठारे जे कि राणी लक्ष्मीबाई राणी लक्ष्मीबाई जे कि एहाकु लीड करथिले सांग माने एडी गोटे क्वेश्चन आसे राणी लक्ष्मीबाई को पूरा नाम कौन राणी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम कौन थिला हाँ आप कमेंट करेंगे ना आपन को कहीदेवी ना आमर राणी राणी आमर राणी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम थिला जे कि कौन मणिकर्णिका तोम्बे मणिकर्णिका तोम्बे जे कि तोम्बे मणिकर्णिका तोम्बे जे कि राणी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम थिला जे कि तांकर मृत्युवरण होइथिला 18 जून 1858 रे केबे होइथिला ना 18 जून 1858 रे नोट करि रखंतु तापर आमे जानिबा बिहार बिहार ठारे एहर नेतृत्व किए नैथिले बा लीड किए करथिले बिहार बिहार ठारे जे कि यार लीड नहीं थिले कुनवर सिंह एवं अमर सिंह किए नोट करूँ कुनवर सिंह एवं किए कुनवर सिंह सहित किए आज ना कौन कहल आपन को ना अमर सिंह यही दीज जे कि आमर बिहार ठारे जो सिपाही विद्रोह होता तार नेतृत्व नहीं थे रही आमर राजस्थान राजस्थान रे किए नहीं थिले नोट करूँ राजस्थान रे जे कि आमर नहीं थिले जय दयाल सिंह एवं किए हरदयाल सिंह जय दयाल सिंह जय दयाल सिंह एवं हरदयाल सिंह नोट करके रखिए यही दुई जन जे कि राजस्थान ठारे जो विद्रोह होता तार नेतृत्व नहीं थे ये जो सब नेतृत्व जगह ना कहली ये जमीक आपन को ये क्वेश्चन पचार दिल्ली जो आम सिपाही विद्रोह उठाइला तार ताकू लीड किए करते सेमती पचारदब एकदम राजस्थान बिहार या झांसी कानपुर लक्षनौ ये सब जगह ना पचारदब से आप सब नोट करके रखी थे आपन को आंसर देवाक बहुत सुविधा हे तेज चलो सांग मैंने क्वेश्चन नंबर 8 देखा कौन कौचे ये सांग मैंने कहला आमको हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द अडॉप्टेड सन द लास्ट कौन पेशवा बाजी राव जे कि पेशवा बाजी राव द्वितीय पेशवा बाजी राव द्वितीय हु कहा को जे कि आमर अडॉप्ट करथिले कौन ना पुओ भाबरे कोंदु पेशवा बाजी राव द्वितीय जे कि कहा को अडॉप्ट करथिले पुओ भाबरे एठी सटीक उत्तर टी कौन हेबो 8 नंबर रो ना ऑप्शन बी नाना साहेब नाना साहेब को जे कि किए ना पेशवा बाजीराव द्वितीय जे कि कौन अडॉप्ट करथिले पुओ भाबरे जे कि हमर एठी ऑप्शन बी हे जीवो टी करेक्ट आंसर जे कि नाना साहेब जो कहले कि नाना साहेब जे कि कानपुर ठारे
कानपुर ठारे कौन से विद्रोह विद्रोहर नेतृत्व नहीं बाता लीड करते ठीक अच्छे ऑप्शन बी हो जी आम करेक्ट आंसर तबे चलंतु सांग माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 एठी हमको क्वेश्चन टी कहू छी कोन ना हु कॉल्ड द रिवोल्ट 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आमर जो 1857 रे सिपाही विद्रोहटा होइथिला ए सिपाही विद्रोह को किए कहिथिले कि कोन ना द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ए सिपाही विद्रोहटा को किए कहिथिले द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सटीक उत्तर एठी कोन हेबो कोंतु 9 नंबर रो ना ऑप्शन कौन ऑप्शन बी बी डी सबरकल ठीक अच्छे बी बी डी सबरकल जे कि कौन कही ना ये जो 1857 विद्रोहटा होता सहीटा होमर द फास्ट वेयर ऑफ इंडिपेंडेंस बोली कही जे कि आमर एटी ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर तबे चलंतु सांग माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 10 एटी हमको कहला द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज ए बुक रिटन बाय आमर जो एटी कहला कि ऐतिहासिक समय रे जे कि गोटे बुक थिला से बुक रो नाम हैला द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एई बही रो लेखक किए कौ बही रो ना द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एई बही रो लेखक किए सटीक उत्तर कोन हेबो कोंतु एटी ना आमर ऑप्शन ए वीर सावरकर भीप सावरकर जे कि आमर कौन ना द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक बहीटी को लिखी ऑप्शन ए हो जी आमर करेक्ट आंसर तेरे चलतु सांग माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 11 एटी आमको क्वेश्चन टी पचारा हु ऑथर ऑफ द बुक हु ऑथर द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 57 टू 59 गोटे ए बुकटा जो द फर्स्ट इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 नामक बही रो ऑथर कथा पचारा किए थे सटीक उत्तर ये कौन है कहतु 11 नंबर रो ना ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स जे कि आमर द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक 57 टू 59 नामक बुकटार ऑथर थिले ऑप्शन ए हो जी आमर करेक्ट आंसर तेरे चलतु सांग माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 12 देखते कौन कौन एटी क्वेश्चन नंबर 12 कहला कि हु लीड द ब्रिटिश फोर्स हुई कौन डिफेक्टेड झांसी लक्ष्मीबाई जे कि कहला ब्रिटिश तरफ किए लीड करुले सिपाही विद्रोहटा को जे कि झांसी लक्ष्मीबाई को डिफेक्टेड बा हरई सटिक उत्तर ये कौन है कहतु किए ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ को लीड करुले जे कि झांसी लक्ष्मीबाई को डिफेक्ट करते सटिक उत्तर ये कौन है ना ऑप्शन कौन ऑप्शन डी जे कि आमर ह्यूग रोज जे कि आमर ब्रिटिश तरफ जे कि लीड करुले जे कि झांसी लक्ष्मीबाई को डिफेक्टेड कर देते सांग माने ये आप कि पॉइंट कहे कि आपन को टिके पूर्व कही तथापि आउ थे आपदे आपण माने मन रखिथिबे जे कि झांसी लक्ष्मीबाई मृत्यु केबे होइथिला एग्जाम रे क्वेश्चन आसे झांसी लक्ष्मीबाई मृत्यु केबे होइथिला कोन कहबे ना 18 जून 1858 रे तांकर मृत्यु होइथिला सांग माने झांसी लक्ष्मीबाई पूरा नाम कोन थिला ना पूरा नाम तांकर जे कि मणिकर्णिका तोंबे नोट करंतु मणिकर्णिका तंबे जे कि पूर्णा नाम थिला ठीक अच्छे तेरे चलतु सांग माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 30 देखो ये कौन कौन क्वेश्चन नंबर 30 कहला जे कि सार कौन ह्यूग रोज डेस्क्राइब्ड होम सार ह्यूग रोज डेस्क्राइब्ड होम आज द बेस्ट एंड ब्रावेस्ट मिलिटरी लीडर ऑफ द रिबेल ये जो युद्ध होता कौ युद्ध सरी जो आम रिबेलियनटा होता से रिबेलियन रे किए ना सार ह्यू सार ह्यूग रोज जे कि क्या डेस्क्राइब करके सीए हूँ जड़े कौन ना ये जो युद्धर जे कि ब्रावेस्ट मिलिटरी लीडर क्या कही कहतु क्या कही किए कही ना सार ह्यूग रोज जे कि आमर ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई को कही एक कथाटा किए कही ना सार ह्यूग रोज कही ऑप्शन बी हो जी आमर ये करेक्ट आंसर तेरे चलो सांग माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 14 कौन कौन ये आमको क्वेश्चन टी कहला 14 नंबर
व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेल्युअर ऑफ द रिवोल्ट 1857 1857 जो कौन ना सिपाही विद्रोह ये विद्रोहटा फेल्युअर हबार मेन रीजन कौन फेल्युअर हबार मेन रीजन कौन थी 14 नंबर आंसर कौन है ना ऑप्शन बी जे कि आमर एटा किछि आगुआ प्लानिंग नथिला बा आमर किछि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बा संगठन नथिला किछि संगठन नथिला एवं आमर किछि प्लानिंग नथिबा जोगु एई रिवोल्टा आमर कोन हेतिला ना फेलुअर होइतिला ऑप्शन बी हे जिवा आमर एठी करेक्ट आंसर संग माने क्वेश्चन नंबर 15 देखंतु एठी कोन कहउची क्वेश्चन एठी कहउची व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 1855 जो विद्रोहटा होइतिला सेटा जे कि कहउची कि एठी गोटे कोउटा गोटे नथिला कोन नथिला ना इकोनॉमिक कॉज एमानक भितरु नथिला 1857 रे जो रिबेलियनटा होइतिला रिवोल्टा होइतिला सेई रिवोल्टा मध्यरु एमानक मध्यरु कोउटा गोटे इकोनॉमिक कॉज नथिला आर्थिक कॉज नथिला सटीक उत्तर एठी कोन हेबो कोंतु ना ऑप्शन कोन सी इंक्रीजिंग एबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन जे कि हमरो ऑप्शन सी हे जीवो ठीक करेक्ट आंसर इंक्रीज एबिलिटी इंक्रीज बढ़िला जे कि एबिलिटी ऑफ मार्केट रे कोन ना इंडियन कॉटन बढ़िला ऑप्शन सी हे जीवोटा करेक्ट आंसर एटा जे कि ओटे इकोनॉमिक कॉज नथिला ऑप्शन सी हे जीवो ठीक हमरो करेक्ट आंसर तबे चालू संग माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 16 कोन कहउची क्वेश्चन नंबर 16 कहला कि व्हिच प्लेस विटनेस द इनसिडेंट ऑफ मंगल पांडे फायरिंग अपॉन ब्रिटिश ऑफिसर जे कि मंगल पांडे केउ जगह रे कोन ना ब्रिटिश ऑफिसर को फायरिंग करथिले सटीक उत्तर टी कोन हेबो कोंतु ना ऑप्शन ए जे कि हमर कोउटी ना हमर बाराकपुर ठारे जे कि मंगल पांडे ब्रिटिश ऑफिसर को फायरिंग करथिले ऑप्शन ए हे जीवो ठीक करेक्ट आंसर संग मैंने ये देखो कौन कौन एटी क्वेश्चन टी कौन कि मंगल पांडे जो ब्रिटिश ऑफिसर को ऊपर फायरिंग करते कौ जगार करते ना बाराकपुर ठारे करते क्यों डेट्रे करते कौन सब सटीक उत्तर ना ऑप्शन बी 29 मार्च 1857 जे कि मंगल पांडे बाराकपुर ठारे ब्रिटिश ऑफिसर उपर गोली फायरिंग करते ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर संग माने क्वेश्चन नंबर 18 देखंतु एठी कोन कहउची आपनको मु टिके पूर्वरु कहितले आपन माने जानिथिबे प्रत्येक एरिया रो प्रत्येक विद्रोहटा जो होइतिला से विद्रोहटा को जणे ना जणे लीड करथिले एठी क्वेश्चन टी कहउची कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच जे कि केउ एरिया रो किए विद्रोह करथिले बा सेटा टी हमर गोटिया भितर भूल अछि से भूलटा को आपन बाछंतु जे कि एठी सटीक उत्तर कोन हेबो कोंतु 18 नंबर ना ऑप्शन कोन सी मथुरार जे कि कदम सिंह कौन आमर जे कि नेतृत्व नहीं नथिले एवं किए नहीं थिले जदि पचारिबे कौन कहबे ना आपण हमकु कमेंट करू जे कि आपण को हमें प्रोवाइड कर दिछु आपण हमकु कमेंट करू जे कि ऑप्शन सी हे जीवो ठीक करेक्ट आंसर जे कि ए तीनटा भितरु एटा भूल अछि आमर जे कि आमर कानपुर रो नाना साहेब ठीक अछि लखनऊ रो बेगम हरजत महल ठीक अछि दिल्ली रो के ना आमर भटका खान ये भी आमर ठीक अछि जे कि एठी हमर ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर जे कि एटा हमर भूल अछि ठीक अछि तबे चालू संग माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 19 देखंतु एठी कोन कहउछि क्वेश्चन नंबर 19 कहउछि कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द रिवोल्ट लीड बाय कुनवार सिंह जे कि हमर केउ जगार जे कि विद्रोह र कोन करथिले ना लीड करथिले सटीक उत्तर कोन हेबो कोंतु 19 नंबर र ना ऑप्शन कोन बी बिहार जे कि हमर लीड करथिले किए ना हमर कुनवार सिंह ऑप्शन बी हे जीवो एठी हमर करेक्ट आंसर संग माने क्वेश्चन नंबर 20 देखंतु जे कि आजर शेष प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपण मानको पई रहबो क्वेश्चन टी कहउची कि द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया केउं एक्ट रे जे कि हमर उल्लेख करा जाय छी कि कोन ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दार पावर टाकु ट्रांसफर कला काहाकु ना तो ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया को कोंतु केउं एक्ट रे जे कि एटा हमर उल्लेख करा जाय छी सटीक उत्तर कोन हेबो ना ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे जे कि उल्लेख करा जाय छी कोन ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू तार पावर टाकु ट्रांसफर कला काहाकु ना द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया को जे कि आजर वीडियो टी आपण मानको पई मु भाबुची बहुत बहुत हेल्पफुल रहइबो आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु किछ ना किछ निश्चय सिखिबे जदि भी वीडियो आपण को भलो लागिला चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो को लाइक करकी सांग मानको शेयर करंतु
मु बहुत जल्दी आपण मानक पई ए टाइप रो कंटेंट नहीं आसुची। जय जगन्नाथ।